मुसाहबत का कलमा नाजिल फरमाया। नहीं, जेडे तू उन्हां दे शोफर ड्राइवर नौकर पेश करे से ना, उन्हां दी खिदमत कर सन, क्योंकि उन्हें तनख्वाह लवनी हो सी, लेकिन वह हुण ज़ईफ होंदे वेंदे रोज़ बरोज़ तेरे मुशरिक काफिर वाले दैन भी, और जिसले आसाब बहुत कमज़ोर हो वंजन, पट्ठे कमज़ोर हो वंजन, दिमाग दियां रगां खुश्की का शिकार हो वंजन बुढ़ापे दे बायस, तो वत ऐसी चिड़चिड़ापन तबीयत ही पैदा हो वेंदा है कि जोर नाल हवा ही चल पड़े, कपड़ा अपना ही जिसम ना लगे, बंदन गुस्सा आवन लग पैंदा है, गाली गलोच सख्त कलामी दा मुजाहरा करन लग पैंदा है। जिहड़े नौकर मुलाजिम हो सन, काम सारे करे सन, पूरे इखलास मेहनत नाल करे सन, लेकिन जिसले अम्मी जान अब्बा जान दुते वो चिड़चिड़ेपन दा दौरा होया पियो सी, नौकर ठीक काम ही करे सी, वर्ती उते सख्ती सख्त कलामी, क्या सी नौकर काम करे सन पर इन्हां दे नेड़े ना लग सन, इन्हां दी दिल जोई ना करे सन, इन्हां नूं खुश ना करे सन, वा अपनी ड्यूटी दे के तनखावां गिद्धी रख सन, क्योंकि रोजगार वाबस्ता है। तू बेटा है उन्हां दा, वो सख्त कलामी करन, वो चिड़चिड़ेपन दा मुजाहरा करन। फरमाया नौकर चाकरा ने नहीं संभालना, मैं अल्लाह तैनू हुक्म दे रहा साहिब हुमा, तैं उन्हां नूं अपने कोल दूर नहीं करना, रखना ही नाल है अपने, ताकि जिस लोग कोई गल करना चाहवन उन्हां दी दिल जोई वास्ते तू बेटा मौजूद होवे उन्हां दे नाल। साहिब हुमा फिद दुनिया मारूफा, उन्हां दी सोहबत च रहना है, उन्हां अपनी सोहबत च रखना है। ज़ईफ बंदे तो थोड़ी थोड़ी देर बाद, उइने 20 साल पहले दी गल याद है, मेरी गल कोई सुनने वाला होवे भावे वह 50 वारी पहले सुना चुका होवे, ये नफसियात बन पैंदियां ज़ईफ लोगों दी। वो तनहाई का शिकार है, नहीं अंग्रेजा की तरह करना, यहूद ने सारा हिंदू तरह के उन्हें वास्ते ओल्ड होम कायम कर चुनन, तो ईद वाली दिहाड़ बन के बाद कपड़े डे आया, तो उस बाद खबर ही ना गिदी जमा करवा छोड़न वाले दिन आउट उत्थे उन्हां दी फीस जमा पे करवाने। फिर मैं नहीं, ये तुसा अंग्रेजा काफरां वाला तरीका नहीं इख्तियार करना, मुशरक वाले दैन भी हो मिलना साहिब हुमा फिद दुनिया, हूँ ज़ईफ हैं, उन्होंने तुहाड़ी खिदमत की जरूरत है, वो हूँ बच्चों वाले मिजाज आ गए, उन्होंने कोई निगरान भी चाहिए, उन्होंने नाल चलाव वाला, उन्होंने हर गल जिमें बच्चा बोली रखता है, तो वाले दैन खुश होकर सुने, इन्हें हूँ उन्होंने बच्चे बनने का टाइम है, तय हूँ वाले दैन वाले मकाम ते आके उन्होंने उतनी दिलजोई करनी है जितनी बचपन चो तेरा ख्याल हिफाजत कर। कुरान का हुक्म है, इतना इस्लाम में वाले दैन का मामला रखा गया। तो मेरे दोस्तों, ये तो हो गई इबारत आ गई कि काफिर मुशरक वाले दैन भी होवन, साहिब हुमा फिद दुनिया मारूफा, तो दलालत नसी तो हमेशा अदना तू आला की तरफ इस्तदलाल होता है। जिसले मुशरक और काफिर वाले दैन का मोमिन औलाद ते इतना हक है, तो मोमिन वाले दैन का कितना हक हो सी औलाद। इस वास्ते कुरान पाक ने वाज़े फरमाया, इम्मा यबलुगन्ना, अगर तेरी जिंदगी दे विच ए बेटे दुहाई तेरे वालिदैन या उन्हां चो कोई हिक केबर बुढ़ापे दे आलम नूं पहुंच वंजन, अल्लाह पाक ने फरमाया ला तकुल्लाहुमा उफ़न, बुढ़े आदमी का मिजाज बिल्कुल ही तब्दील हो वेंदा है, उसके आसाब कमजोर हो गए, उसके पट्ठे कमजोर हो गए, वो चिड़चिड़ापन उहदे विच आ गया, अगर वह केबर और बुढ़ापे नूं दुहाई पहुंच वंजन तेरे वाले दिन, या कोई हिक हिक वफात पा गए, हिक जिंदा मौजूद है, अम्मी जान अब्बा जान, तो फरमाया बात उन्हां दा मौकिफ गलत भी होवे, क्योंकि असां औलाद और साढ़े वाले दिन के दरम्यान जनरेशन गैप मौजूद है। जिसले साढ़े वालिद साहब माहौल तू सीख रहे हैं, अपने उस्तादों को सीख रहे हैं, साढ़े वाले दिन नूं साढ़े को भी अज 30-40 साल पहले का माहौल मिला है। जनरल ज़िया साहब का जो दौर है मैं याद है, जन उन्होंने ऑपरेशन प्ले फेयर करके भुट्टो साहब की हुकूमत नूं खत्म किया है 1976, वह भी मैं याद है। ठीक है जी, हुण मामला इन्ने बई जो जनरल ज़िया साहब के दौर के तकाजे हैं, क्या अज वो तकाजे हैं? उस वक्त खिता नहीं, पूरी दुनिया के कितने सारे ममालिक नालों साड़ी करंसी कितनी मजबूत आई, जापान सनत द घर है, लेकिन कितने उलूमो फनून साड़ी यूनिवर्सिटियां कोल उन्हां दे तलबा, जिते हिकता असा मुसलसल नाकामिया आल गए, क्या साड़ी बुनियादी जरूरियात तो इंसान के हिकर आदि, लेकिन कई सहूलियात कई ताइयोशात कई जरूरियात तब्दीली भी जमाने के नाल नाल आती है, क्या इंसानी जहनी रवैये ये रख रखाओ पड़ोसियों का ख्याल। मैं अच्छी तरह याद है जनरल ज़िया के दौरे, अगर 40.5 चक तहसीलों ज़िला खाने वाल हूँ ज़िला है और तहसील भी खाने वाले, उसने फर्क आई ज़िला मुल्तान आई तहसील खाने वाले, अगर साढ़े घर साढ़े घर नहीं पूरे चक और इलाके अगर कोई फोतीदगी हो बनिया त्राए दिहाड़े ना कोई रेडियो चल